Hi guys, good afternoon. Welcome to my class. My name is Narendra Kumar. This is our channel, Unacademy Students World. How are you? And finally, we have completed our Lala Majnu stories, phrasal verb stories, fixed preposition, okay? Verb followed by a preposition, we call them phrasal verbs. Yeah, the verb followed by preposition plus adverbs. Remember, I think we have completed four videos. Okay, so I request you to watch all four videos. If you are watching this video very first time, I think more than 100 students, you guys are very regular. So thank you for watching and keep watching every day so that you can learn and succeed. It's our success, Unacademy success, okay? Our channel success. Aap 100 logon ko job lagega, to aap 1000 logon ko bataoge. Okay, so make sure you keep reading. Chalo, kitna log aa gaya hai? Guys, chalo start karte hain. And share karna start kar do. I will do the introduction part. Hello everyone, ठीक है, please start sharing with everyone. And please let me know कितने लोगों ने मेरा phrasal verbs complete किया है, complete, पूरा का पूरा किया है, जल्दी से बताओ. How many of you have completed phrasal verb stories? सब लोग शेयर करना स्टार्ट कर दो क्विकली. ऑलराइट, तो गाइस शेयर कर दिया सब लोगों ने. फाइनली वी स्टार्ट. ओके, आई एम ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू टीचिंग इडियम्स. ओके, इडियम्स को आप इमेजेस के थ्रू याद रखो, मीनिंग के थ्रू याद करो एंड ऑलवेज विजुलाइज. ठीक है, ऑलराइट. चलो, idiom quiz first hai. I'm going to conduct 3-4 videos on idioms, then vocabulary, then root words, and then again I'll revise all over all these stories all over again. See, theek hai na, part 1, part 2, part 3, like that. Season 1 hota hai na, season 1, season 2, season 3, season 4, is tarah se hamara chalne wala hai. Okay, so guys, ये मेरा कोर्स है और ये आपको सबको सब्सक्राइब करना है, बिकॉज आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है. यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल विद द टर्मिनोलॉजी, यू कन्फ्यूज इट. ओके, सो फॉर वन लास्ट टाइम, ठीक है ना, गो थ्रू द बेसिक्स कंप्लीटली एंड देन ओके वी आर रेडी फॉर द बैटल. IBPS, SBI, RBI, एवरीथिंग. ओके गाइज, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यूज माई कूपन को नरेन लाइव एंड फ्री सब्सक्रिप्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. So please use that and watch my free videos for 7 days. And if you want to continue, you can use my coupon code NarinLive for 10% discount. All right? Sab logon ko bata do ki ye coupon code bhi bahut zaruri hai, because it will give you the discount and aapko help karega. In fact, you will get the test series. ठीक है ना गाइज, आपको टेरिसिन मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलने वाले हैं, वन ऑन वन गाइडेंस मिलने वाला है, एंड द बेस्ट पार्ट इज टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. कल कोई बच्चा मुझसे बात कर रहा था ऑन फेसबुक एंड ही वाज लाइक, सर ये 4500 फीस किसका है, ये सर आपकी क्लास का ये. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, 50 टीचर हैं टोटल, 50 एजुकेटर्स. ओके सर, एक ही सब्जेक्ट? नो, ऑल सब्जेक्ट. ओके, देन टेस्ट सीरीज के वो भी मिलेगा डाउट. तो ही वॉज सरप्राइज टू नो कि मतलब ओके 4500 में सब कुछ मिलने वाला है. The fees is 5000, but if you use my coupon code Naren Live, it becomes 4500 for 1 year. ठीक है, तो सबको इन्फॉर्म कर दो, लोगों मिसगाइडेड भी हैं कि लगता है कि ओनली इंग्लिश का 45 होगा. नो, एवरीथिंग इन 45, द होल यूनिवर्स इन 45. ओके गाइज, 2 more minutes आई विल स्टार्ट द क्विज. कितने लोग आ गए प्लीज जल्दी से बताओ, मेक इट 100 क्विकली. Quickly make it 100, everyone. कौन कौन क्या बोल रहा है चलो पता करते हैं. ओके, हाय दिव्या, जसपाल जी, कुमार शानू भाव, आई लव योर वॉइस. ओके, राजा बहरा, हाय, गुड टू सी यू. हाय सुमित्रा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एवरीवन, लाइक दिस वीडियो, शेयर करो ऑफ कोर्स, इनवाइट एवरीवन. एंड ईडियम्स आपको याद नहीं होते, मैं आपको याद कराऊंगा. ठीक है, एंड इनफैक्ट दिस इज अ क्विज, अटेम्प्ट द क्विज एंड ठीक है, और पता करो कि आप कितना ऑलरेडी जानते हो.
और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आई गेस। सब लोग आ गया। हाय सर, जगदीश सर, हाय सर, हेलो। ओके, ओनली 47 राइट नाउ। गाइस इनवाइट एवरीवन। सब लोग आ जाओ। ओके, ठीक है, मैं इधर साइड में आ जाता हूँ। इफ यू कट कॉर्नर्स व्हेन डूइंग समथिंग, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट यू डू एक्चुअली? गाइस कैन यू रीड इट? प्लीज चेक, प्लीज चेक। इफ यू कट कॉर्नर्स व्हेन डूइंग समथिंग, कट कॉर्नर्स, ये वाला पार्ट। हेलो, शेयर कर दो। सही, हाय राजा बेरा, आशीष कुमार, राहुल सत्यम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हाय आसिफा, अनुराधा कुमारी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट क्वेश्चन नंबर, दिस इज 1, 2, 3, 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर, गो फॉर इट। वी हैव इनफ टाइम। चलो, क्या होने वाला है इसमें से बताओ। विच वन इज करेक्ट? गाइस सब लोग देखो, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है एक्चुअली, फ्रेजल वर्ब्स में पढ़ाया मैंने आपको। क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। आई होप एवरीबडी इज लाइव राइट नाउ। कट कॉर्नर्स मैंने पढ़ाया था, दिस इज रिवीजन एंड न्यू इडियम्स एज वेल, न्यू फ्रेजल वर्ब्स एज वेल। ओके, व्हाट डू वी हैव हियर? आई थिंक कोई नहीं कर पाया लगता है। सब कचरा है, यू गाइस आर कचरा फ्रॉम लगान। अरे वो तो काम आया था कचरा, आप तो कचरा वाला कचरा हो, ठीक है? जितना लोग बोल रहा है ना, कितना, 2 बोल रहा है और 3 बोल रहा है, यू गाइस आर कचरा। आई एम सॉरी टू से दैट। मैंने पढ़ाने के बाद में भी अगर आप नहीं कर रहे हो देन आई एम डिसअपॉइंटेड। मीनू यादव, थैंक यू, आपने क्लास देखा है। कट कॉर्नर मीन्स यू डू समथिंग एंड देन चीपली करना, इकोनॉमिकल। व्हेन यू कट कॉर्नर मीन्स सेव मनी, टाइम, एनर्जी, दैट इज व्हाट कॉलिंग कट कॉर्नर्स। ओके, मैंने आपको ये पढ़ाया भाई, क्यों नहीं कर पाए आप लोग? आपको करना चाहिए था भाई ये वाला। यार गाइस पढ़ाया हुआ चीज नहीं करोगे तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड। ओके, इमेज सही लग रहा है आपको? कट कॉर्नर्स, कुछ बचा लिया आपने, टू सेव मनी एंड टाइम। ओके जसपाल, ओके आसिफा, गुड। ओके, आई बीन टीचिंग दी स्टोरीज, जो पढ़ा दिया उसको सही करो, जो नहीं आता है आई विल टीच यू, कम ऑन गाइज, इट्स अ म्यूचुअल। ओके, ओके, वन फाइनल टाइम, व्हेन यू कट कॉर्नर्स मीन्स गाइज दीज इडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, एवरी एग्जामिनेशन। ओके, आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स, तो प्लीज मेमोराइज कर लो, मेमोराइज कर। आई एम गिविंग यू वन नंबर फ्री, 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 मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त। ओके एवरीवन, ऑल राइट गाइज, फर्स्ट क्लियर ना? प्लीज टाइप फर्स्ट क्लियर। व्हेन यू कट कॉर्नर्स व्हेन यू डूइंग समथिंग मींस यू सेव मनी, टाइम, रिसोर्सेस, इकोनॉमिकल हो जाते हो आप। A hot potato, guys, you like this potato? Very hard shape. If something is hot potato, then what does that mean? Then what is it all about?
व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, प्लीज बताओ. व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? If something is hot potato, तो क्या होने वाला है? It is delicious and everybody wants to eat it. You like potato, you will become potato. All right. If you don't know the meaning, if you don't memorize the idioms, you will become the potato. Boil हो जाओगे, कोई खा जाएगा आपको. Only 79 watching. Make it 100. Come on, guys. Where are you? Come on. Share with everyone. Invite everyone. It is difficult, unpleasant, or risky, and nobody wants to deal with it. It is an unfair competition where one side has an advantage. हॉट पोटैटो मीन्स ओके, जब कोई चीज हमारी देखो ना रिस्की हो, ठीक है, यू आर ठीक है, यू वॉन्ट टू बाई अ हाउस फॉर योर सेल्फ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदना है आपको, और दैट प्रॉपर्टी क्या है, एक रिस्की है बिकॉज उसके डॉक्यूमेंट सीख नहीं है, तो इट्स अ हॉट पोटैटो प्रॉपर्टी. गॉट माई पॉइंट? क्योंकि वो क्या है, रिस्की है, पैसा लगा दिया लेकिन खराब भी हो सकता है, ठीक है ना. डिस्प्यूटेड, जानते हो डिस्प्यूट? Something is risky, something is disputed. That is hot potato. Don't touch it. Phas jaoge. Financial loss ho jayega. So actually, this is correct. Guys, question number 2 clear? The first one, cut corners. Theek hai na? Use, save money, time, paisa. Energy save kar lo. Cut corners. Hot potato, very, very disputed, okay? वेरी रिस्की, डोंट टच इट. क्लियर दोनों? क्लियर? इफ यू सी आई टू आई, दिस इज नॉट लव. ओके, रोमांटिक मत हो जाना. सर आंखों में आंखें डालना है? नो, इधर देखो, फोकस करो. व्हाट इडियम्स आर फिगरेटिव मीनिंग, नॉट लिटरल मीनिंग. Figurative. Chaudhary Tanuja, good to see you every day. Suchitra Das, thank you for being here. Vinita Billa, hello. When you see eye to eye with someone, what does that mean? This is basics, okay? This is your training part. Someday, I will conduct a quiz based on real question asked in bank exams, SSC exams, CDS exams, especially RBI, SBI, insurance, okay? Jaldi se batao kya hone wala hai. Theek hai. Agree with, okay? You guys... Okay, and me, we don't see eye to eye because, sorry, मैं आपको बोलता हूं, hey guys, read newspaper, ठीक है ना, and if you read newspaper, you will become the best person ever, okay, you will become the most intelligent, you will guys say, no sir, कुछ नहीं होगा, newspaper is raddi, newspaper is khachra. Okay, so we don't see eye to eye, मतलब we don't agree at all. If we see eye to eye, it's not romantic, it's an agreement. Okay, we are on the same page. Yaad rakhoge guys, yaad rakhoge? Alright, go for the next one. This idiom has been asked 1000 times in different examinations. To cost an arm and leg. If you say that something cost an arm and leg, theek hai na? To kya hoga, batao bhai. ठीक है कविता, हमें सारे पिक्स के थ्रू पढ़ाऊंगा मैं. ऑल राइट, इफ यू से दैट समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, व्हाट डज दैट मीन?
गाइज मेक इट 100, मेक इट 100, कहाँ हो आप लोग? इनवाइट एवरीवन, अमित बिल्ला, कृति यादव, कृति यादव यू आर वेरी रेगुलर, आई होप माई कोर्सेज आर हेल्पिंग यू माई क्लासेस, बट यू नीड टू इन्वाइट 10 डिफरेंट गाइज फॉर माई क्लासेस, ओके, इफ इट इज हेल्पिंग यू, ओके, यस, वेरी सिंपल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ओके, आई वॉन्टेड टू बाय एन आईफोन, बट आई केम टू नो, देन आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, हे गाइज, आई वॉन्टेड टू बाय एन आईफोन, एंड देन आई रिमेंबर, हे आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, आई नो idiom, idiom, ओके, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एंड आई वॉज लाइक नो वे, एन आईफोन विल कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अब मेरा हाथ और पैर कट जाएगा ये खरीदने में, आईफोन खरीदने में, समझ गया, वेरी एक्सपेंसिव, सो आई मेड अ गुड डिसीजन, गो फॉर इट गाइज, यू लाइक माई पिक्स, आई हैव वर्कड 4 hours ऑन दिस PDF जस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज नाउ यू गाइज आर सपोर्टिंग मी, नाउ इट इज माई टाइम टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द लेक्चर्स, ओके, आई विल कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कविता, चलो आप फरमाइश करो, दीपिका आएगी, ऐश्वर्या राय आएगी, सब आएंगे, ठीक है ना, तुम बोलो तो क्या क्या चाहिए आपके लिए, आपकी फरमाइश पे, आई डोंट हैव एन आईफोन, आई नो द idiom, इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, आई वॉन्ट माई लेग टू वॉक, ओके, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एन आईफोन, आई नो द idiom. Because I'm not idiot. Because I know the idiom. Only 87. Make it 100. Use this bicycle. Go extra mile. Guys, go extra mile for me and support me. Make it 200. 1000. If you go extra mile means you make extra effort to learn English, to memorize English, to read newspaper, to be disciplined, to attempt a mock test, to help others, to help me. You need to go extra mile to realize your dreams. अपने सपने पूरे करने के लिए आपको extra mile जाना पड़ेगा. Okay? I'm going extra mile to teach you. 17 hours I'm working. Okay? So go extra mile. भागना नहीं है. Do extra. Something extra, something special to achieve your dreams. That is going extra mile. Okay? Abhijit Saha, computer ji, please. Option 2 ko unlock kiya jaye. Lock kiya jaye. Sahi jawab. Taaliyan basti rehni chahiye. Taaliyan basti rehni chahiye. Next question. If you are not reading, then the devil will come to you and hold you like this. Okay? And give you a newspaper. Okay, the devil will come in the night and gift you newspaper so that you are convinced. Rahul Satyam, okay. ठीक है, next time सब pics मिलेगा आपको. If you speak, talk about the devil, speak of the devil. Guys, go extra mile, 100 kar do, please, make it 100. Come on, invite everyone. If you speak, talk of the devil. What does that idiom mean? Speak of the devil. Talk of the devil. Come on, guys. This happened to me, okay? You guys are talking. You know what?
दैट गर्ल शिखा सी इज अ ओके सी इज अ वेरी वेरी ऑब्नोक्सियस गर्ल एंड दिस थिंग दैट थिंग एंड देन शिखा अपियर्स स्पीक ऑफ द डेविल यू वर टॉकिंग अबाउट हर एंड देन सी अपियर्स दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल्स. The person you are talking about unexpectedly appears. Invincible book kya aaya? Shaitan ka naam liya aur shaitan aa gaya. Shaitan hazir. This is my favorite movie, bucket list. My favorite idiom. I have a bucket list of my own. Okay, there is a movie called Bucket List. If you are into Hollywood movies and different cinema, must watch. Two my favorite guys. ठीक है ना? The Bucket List is a movie, Hollywood movie, my favorite movie. What is the bucket list? No century for me today. Invite all your 100 students, guys. So, bucket list is a list of things or activities that you want to do before you die. In your lifetime, there might be like 10 things that you want to do. You want to visit Taj Mahal, Paris, London, New York, Statue of Liberty. You want to jump from the helicopter, bungee jumping. Okay, you want to deep dive in the sea, samundar. So, har sab ka list hai. Always have your bucket list. And your bucket list, what should be the first thing that you... A good job, a handsome salary. A handsome boy, a beautiful girl. Okay, bucket list banao. Aapki bucket list mein first thing hona chahiye tha. Your job. Got my point? Everyone? A list of things that you want to do before die. Chalo aaj chand pe chale. Chanda mama. Okay. If you are over the moon, when you got selected, you will be over the moon. Amanjot Singh. Thank you Amanjot Singh for supporting. Make it 100 for me. Okay? I deserve some love from you. Okay? Aapke liye main chaand sitare tod ke laya. Just for all of you. Maybe tomorrow Deepika, maybe tomorrow next day Priyanka, Katrina Kaif, sab aayega idhar. Aaj chaand sitare aapke liye leke aaya hai. Can you give me 200 students? You are very pleased about something. When you will get selected in your bank job, in your SSC job, your dream job, okay, you will be over the moon. Okay. Very popular, very popular. I will ask for your score. So please let me know your score, okay? Today I have 25, I think, idioms or 30 idioms. I want a score from all of you. आप में से कोई है चैंपियन जो 30 out of 30, 25 out of 25 कर सकता है? Anyone? If you let the cat out of the bag, what does that mean? We need 10 more guys. I want to be over the moon. Go extra mile for me. Okay. If you let the cat out of the bag. Sometime it happens, okay? Two people are talking. Then there is a secret about you. That there is a secret activity about you. And then suddenly in a conversation, wo secret aapko nikal jata hai. To reveal a secret, okay, unintentionally.
दैट इज कॉल्ड टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. ओके, व्हेन यू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, ओके, योर पेरेंट्स एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी 25th, ओके, एंड यू गाइज आर प्लानिंग कि लेट सरप्राइज देम, एंड देन योर यंगेस्ट, ठीक है ना, सिबलिंग, सबसे छोटा वाला, दैट पर्सन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मीन्स उसने सीक्रेट रिवील कर दिया, मम्मी मम्मी केक आप कौन सा खाओगे, और मम्मी इज लाइक हे व्हाट केक, तो उसने सीक्रेट रिवील कर दिया एक्सीडेंटली. स्पिल द बीन्स भी होता है, यस, ऑलमोस्ट रिलेटेड है स्पिल द बीन्स, पर थोड़ा सा डिफरेंस है. स्पिल द बीन्स का मतलब इसमें क्या है, एक्सीडेंटली है वो नॉर्मल बताना. टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एक्सीडेंटली किसी को बता देना कि हे ये हो रहा है, स्पिल द बीन्स सब बता देना नॉर्मल. ओके, इफ यू फील अंडर द वेदर, आज मौसम है सुहाना, ओके, व्हाट डज दैट मीन, इफ यू फील अंडर द वेदर, मौसम अच्छा है, चल भाई चाय और समोसा खाते हैं, ओके, गो फॉर इट. विष्णुप्रिया, अभी गाइज मेक इट 100, ओनली 90 टच्ड, कैन बी डू 100 टू नाइट, टूडे नाइट में तो 50 करना है, नाइट का टारगेट है 150. If you feel under the weather, बताओ भाई, everyone quickly. You feel ill, ठीक है, you text your boss, you are working in a company. Hi boss, hi sir, today I am feeling under the weather. Romantic नहीं हो रहा, बीमार हो गया हूँ, बुखार आ गया है, cough, fever. Feeling under the weather mean feeling sick. झूठ वाला नहीं, रियल वाला, रियल वाला, रियल वाला. गाइस फीलिंग सैड नहीं, फीलिंग इल, बीमार, बीमार, बीमारी, कौन है ये. नेक्स्ट, अरे विशाल क्या क्या पूछा आपने सराज, फोकस ऑन द लर्निंग, फोकस ऑन द idioms. ओके, 92, 92, 92, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेक इट 100. इफ यू हिट द सैक, यू विन द लॉटरी, यू गिव अप स्पोर्ट बिकॉज यू फील यू आर नॉट गुड इनफ, यू गो टू बेड बिकॉज यू आर वेरी टायर्ड. दोबारा से लिखो भाई, क्या था तुम्हारा विशाल. All of you need to watch my videos every day. You cannot miss it. मैं डेविल घर में भेज दूंगा आपको, idiom भूत भेज दूंगा मैं, idiom घोस्ट भेज दूंगा आपके घर में. That ghost will never let you sleep. Okay? To hit the sack means, चकरो से जल्दी से बताओ, फिर मैं बताता हूँ. No, कोई चांस ही नहीं है भाई. Go to sleep, go to bed when you are tired. Okay, I work 17 hours a day, 15 hours, 14 hours every day, and then I'm very tired and hit the sack means सो गया जा करके, लॉटरी जीतने का पड़ा. अच्छा, आपको ये लॉटरी दिख रहा है. Hit the sack means जाके सो गया.
ओके, बिकॉज यू वर टायर्ड, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 14 आवर्स एंड देन यू हिट द सैक, यू स्लेप्ट. 94, 94, एक सिक्सर, रोहित शर्मा सिक्स मारेगा, कम ऑन 100. कैन रोहित शर्मा हिट अ सिक्स एंड मेक इट 100? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेट एंड वॉच. चौधरी तनुजा, प्लीज क्लेप फॉर चौधरी, आई डोंट नो चौधरी, सॉरी, सी एच तनुजा, सी गुड अप. देखो, यू गाइज आर चिटचैटिंग, देयर इज वन पर्सन, सी और ही इज सीक्रेटली स्टडिंग वेरी केयरफुली, मेकिंग सेंटेंस, सी इज लर्निंग अ ग्रेट डील ऑफ, ओके. आप लोग चिटचिट करता है, भूल जाओगे. एंड सच स्टूडेंट्स, दे टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ माई स्टोरीज. These are my favorite students. You want to be favorite? Stop chit chat. Make examples. Clap for her. And a thumbs down for yourself if you were chit chatting. See. If you had the sack, you go to bed because you are very tired. I will teach you all beautiful stories. I will revise, I will relearn, memorize, repeat 1,000 times. Keep watching. One words, idioms, active, passive, direct, indirect, error detection, paragraph completion, parajamba, reading completion, close test. I will teach you 1,000 stories. You bring 1,000 students, I will teach you 1,000,000 stories. Okay? नेक्स्ट, ओके. नाउ मैंने आपको बहुत डांट दिया, रोना नहीं है. लाओ, आई हैव अ समथिंग स्वीट फॉर यू, नाउ एंजॉय. मैं डांटूंगा भी, प्यार से खिलाऊंगा भी, केयर भी करूंगा आपकी. ट्रस्ट करो बस, आई विल टीच यू एवरीथिंग, गो फॉर इट. हाउ मेनी केक लवर्स? यस्टरडे आई गॉट केक फ्रॉम अनअकैडमी एट हैप्पी टीचर्स डे. अकेला खाया सारा कुछ, यम्मी चॉकलेट केक. नहीं हुआ, 97 है. सो इफ यू से दैट समथिंग इज पीस ऑफ केक, वेरी इजी टू डू. आगे चलो, आगे नेक्स्ट देखो. थैंक यू लेडीज जेंटलमैन. रोहित शर्मा सेइंग 100. Thank you God, thank you students. I want my 100 every day and then someday 200. And then I will break record, Brian Lara record. Kon bolega? What was the Brian Lara record? Wo record todna hai. Brian Lara record. Jaspal Sharma, thank you. This idiom is very important for all exams. थैंक यू विशाल. विश्व, आई से ठीक है, आई टीच यू समथिंग. हे, दिस इज इंपॉर्टेंट. आप में से कुछ हो ऐसा लाइक, जो लोग आप में से 10 लोग ऐसा आता है, सीक्रेटली बैठा रहता है चुपचाप, और दे वॉन्ट माई क्लासेज बट दे आर ऑलवेज डाउटफुल. दे टेक थिंग्स अ पिंच ऑफ साल्ट, विद डाउट के साथ लेते हैं. दे यूज माई ट्रिक्स, पैराजम्बर, रीडिंग कॉन्फ्रेंस, एवरीथिंग, बट स्टिल पिंच ऑफ साल्ट, डाउट के साथ में लेते हैं. होगा नहीं होगा. यहां पे 20% ऐसा बच्चा आता है, एंड यू नो कौन सा वाला है आप में से, जो क्या करता है, दूसरे टीचर से ही पढ़ता है. अच्छी बात है, ठीक है, डिफरेंट चैनल्स एंड एवरीथिंग, सबसे पढ़ो. लेकिन मेरी बेस्ट ऑफ ट्रिक्स है, लेकिन दे विल नेवर अप्रिशिएट, दे विल ऑलवेज टेक थिंग्स पिंच ऑफ साल्ट. सो इफ यू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट मींस डाउट के साथ में लेते हैं, दे नो दिस इज द बेस्ट ट्रिक एवर. बट पिंच ऑफ साल्ट का उनका एटीट्यूड खराब है. आप क्लियर रहना, टू द पॉइंट. ओके, ठीक है ना.
So if you don't completely believe something because you think it's probably not true, believe, learn, succeed, and feel beautiful because we are confident. When you are confident, we feel beautiful inside out. Benita, sweetie, good to see you back. I know what happened to you. I know we are not in offline classes. It's like a read faces, and you know what happened to you. So welcome back. Okay, stay focused. I will keep trying my best. Next. If I say I'm going to hit the books now, किसी को बुक फेंक के नहीं मारना है बॉस. Please don't take my idioms otherwise. Mom, today my teacher of English told me hit the books. Okay, going to hit the books. Now I'm hitting the books. No. Please, ऐसा मत करना. Okay. Vishwa, yes, feel beautiful. I'm going to study. I'm a good person. Okay? I'm not like you. ठीक है ना? Who walks away from studies? Who chickens out? Who remember my fragile verb chicken out? You chicken out, but I'm brave. Okay? I'm going to study means I'm going to hit the books now. Clear? Next. This idiom is very popular. Cat, GMAT, bank, SSC. मैंने खुद देखा है. Okay? In exams में. Trust me. This is very beautiful. You like grapes? I love grapes. How's the image? Very, very gratifying. Okay? How's the image, guys? How's the Josh? Please let everyone know. How's the Josh? सब पूरे YouTube को बता दो. पूरे Facebook को बता दो. And every locality. Yes, Benita, sweetie. Yes. This is very interesting. One of my favorite. If you hear something on the grapevine, you hear it from someone who heard it from someone, from an authoritative or dependable source while shopping at the greengrocers. Yes, Vishal. If you hear something on the grapevine means you hear from someone, or that someone heard from someone, that someone heard from someone, or we don't know who is someone. WhatsApp university, WhatsApp messages, forward, pata nahi kahan se aata hai, fake news. They are playing with your emotions. They have blinded you. Everybody, all of you are blinded. Okay? Sabko aap blind ho chuki ho, your logical reasoning, I don't know, deductive reasoning, go went gone ho chuka hai. You guys, तुमको जो बोला जा रहा है तुम वही believe कर लेते हो, ठीक है ना? तो these stories are, ठीक है ना? On the grapevine, ठीक है ना? On the grapevine. If you heard from someone, someone from someone, someone from someone, those stories are on the grapevine. Okay, from someone who heard it from someone. Very important idiom. Okay, learn the idiom and then एक लेके खाविलो, okay? I want to stay healthy, so I will use all the vegetables here, all the. I don't know. I don't have time to go to gym, so the only way to be healthy is
teach through vegetables, teach through fruits, and I'll become healthy. This is my logic. This is my logic to get fit. Okay. Next. This was the quiz one. Please tell me quiz one mein kitna sahi gaya aapko? Out 15 out of 15 kitna gaya? Please batao. Now I have 10 more questions. Okay, shall we start? 92 watching. Thank you all of you. Okay, you are doing a wonderful job. Trust me for yourself, for everyone. You have no idea. If you succeed now, if you got the job, SSE, bank, inspector, policeman, whatever, for 10 people at least will affect. Okay, they will have a good life because of you. They will have a shelter, a house, good food. Okay, good life, standard life, beautiful life because of you. Okay, your loved ones, your husband, your wife, your children, they will respect you. The society will respect you. Okay, so go for it. It's worth trying. It's worth trying. You wanna try, Guru? Go for it, go for it. When he was asked why Arthur had not fought in the army, Jed replied, that's simple. Okay, he was yellow. So what does that yellow means? These are very interesting stories. You have to know and learn. Try it, guys. Vishal, you focus on your learning. She knows what she's doing, okay? She has been watching all my videos. On every video, I see her comment. Okay, I read her comment. Sometimes I reply, sometimes I just do not because I don't have time. Okay, so she is learning a great deal. She lies or not lied, but she is not lying about herself, about her career. She is making effort. When you watch a video 1 hour, na, this is called dedication, determination, and being crazy about your dream and job. Okay, so before judging somebody, look at yourself. Am I trying enough? Am I doing enough? Am I following all the instructions? No. Okay? Yes. You are walking on the road, on a highway. Okay, your headphone on. Okay, music, Shakira. Okay, your music is on. And then suddenly you see a lion coming towards you, approaching you. You will turn yellow. Peele pad jaoge. Ab kya kya peela ho jayega? Don't ask me. Okay. When he was asked why Arthur had not fought in the army, Jed replied, he was yellow. Okay, fight. Carol has been told that her problem is that she looks at life rose-colored glasses. Hey, rose-colored glasses. Batao kya hone wala hai? Most of you commit this mistake. You see, think, hey, everything is beautiful. ठीक है ना? You use a spec. ठीक है? You use spectacles. Love shape, heart shape. Heart blinking here. You see things that everything is fine, but not everything is fine. Your life is, you are not cool at all. You are cool when you are disciplined. You are cool when you have achieved something. Chahe wo choti si job ho. You are cool when you respect others. Okay?
यू आर कूल व्हेन यू एक्सेप्ट अदर्स ओपिनियंस, देन यू आर कूल, अदरवाइज यू आर नॉट अ कूल. ओके, सो बी टेंड टू सी द लाइफ फ्रॉम, ठीक है ना, रोज कलर्ड ग्लासेस, रोज टिंटेड ग्लासेस. हम लोग खूबसूरत खूबसूरत देखता है लेकिन नहीं है खूबसूरत. ओके, मयंक चौसकी, सॉरी, करोल हैज बीन टोल्ड, सॉरी सॉरी गाइस, करोल हैज बीन टोल्ड दैट हर प्रॉब्लम इज दैट शी लुक्स एट द लाइफ थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस. She sees things as they should be, not as they are. Sorry. Incorrect. She sees things as they are, not as they should be. No. Next guy, question number 3. Thank you, Pramila. Thank you. Keep watching. Okay. I know you know 10 different people. Sabko invite kar do. Okay. I'll keep trying. I'll have more stories. ठीक है, मेरे को motivation मिलेगा, मैं और ज़्यादा stories सुनाऊँगा आपको. Ellie was feeling blue. What did that mean? These are color-based idioms. Trust me, they are asked in various exams. These idioms, color-based. Deepak Baral. Hi, Deepak. If you are a new student, go to my playlist. Watch Parajumble, Reading Comprehension, Paragraph Completion, Summary of the Paragraph, okay? Inference Statement. Can you do that? Then we will talk. Aaj raat ko aana 9 baje. When we feel blue, we feel sad. Yellow, fearful. All right. Mr. John said his business was in the black now. In the black. What does that mean, in the black? Is it black money? What do you think? Know your idioms, know your colors. Then you will add colors in your life. In the black means making profit, making business. If you are in the black means your account, $1 million money you have in your account, that means you are in the black. In the black, in the black is not losing money, you have money, no debt at all. In the red, red ho jaye aapka account, debt ho gaya. In the black, everything is fine. What happened, Sonia? Oh no! What happened? That is why you need to watch my classes, okay? In the red hota debt wala. If your account is in the red means debt ho gaya hai, karja karja sahib karja. But in the black means you have enough money in your account, okay? To have a date, whoever you want. Clean bold.
गुगली गुगली, यॉर्कर, आई यूज टू बी अ बॉलर, यॉर्कर, लीथल यॉर्कर, गो फॉर दिस वन, विश्वा 18 इयर्स, जशपाल, रुस्कर वानो, आई नो ट्रांसलेशन, नो प्रॉब्लम, मिसेस ओलेरन सेज हर नाइवर जिम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, व्हाट डज शी मीन, अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ये तो अच्छा है भाई, वेरी इजी, इग्नोर. जॉर्ज अप्लाइड फॉर वर्ल्ड लिंक परमिट एंड वॉज शॉक टू फाइंड ऑल द रेड टेप. गाइज गाइज गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट इडियम, वन ऑफ माई फेवरेट इडियम, रेड टेपिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ. यू नो वॉट, Why investor in the, देखो in China corruption, in India corruption, but all the investor of the world, they invest money in China because in China you pay money, the job gets done easily, 2 seconds. In India, you pay money corruption, okay, job gets done in 6 years. Red tapism means Babuji file, Babuji file, Babuji file, Babuji file, Babuji 100 साल हो जाते हैं, मर जाते हैं, file pass नहीं होती है. Red tapism is that official. Time based, sign, 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 sign. The peon has to sign 4 files. The peon is more powerful than the IS himself. You know that? Red tapism. I hate that. Okay? I hate that. मयंक चौस्की, थैंक यू. ऐसे बनता है, कैसे बनता है, लाइक दिस, आई एम लर्निंग, थैंक यू फॉर योर कमेंट. नेक्स्ट, we know that, this is very easy, this is all of us, this is all of us. Green with envy, this is all of us. Guys, your WhatsApp, Instagram, everywhere, please share this video. My Parajamal video, Ready Compression video, Newspaper video, 3 videos share on all platform, in all on or all Facebook groups. You know 10, you are active in 10 different Facebook groups. Sabko bolo, Narendra sir classes phaila do aag ki tarah, like a world fire, not like in Amazon. Amazon mein jaise aag lagi thi na, waise hi Narendra sir classes for complete solution, phaila do, phaila do, phaila do. Keep a lighter with you, not for smoking, but for आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो. गो फॉर दिस वन. ग्रैंडमा टोल्ड माय मॉम शी वाज फीलिंग इन द पिंक. हे, इन द पिंक, गो फॉर इट. व्हेन यू आर इन द पिंक, गुड हेल्थ. व्हेन यू आर येलो, यू आर स्केयर्ड. When your account in the black, you have money. When your account in the red, you don't have any money. When you are envy with green with envy, jealous. Clear? I will give you the PDF in my channel. Guys, if you are watching, please join my channel, channel called English by Naren Sir. N-A-R-E-N Sir. English by
नरेन NARN सर टेलीग्राम ऐप प्लीज, ठीक है ना, यू विल फाइंड द PDF, यू विल फाइंड द PDF। नेक्स्ट टू मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज पोस्ट योर स्कोर अगेन, इंडिविजुअल स्कोर्स, क्विज वन क्विज टू एंड देन कंबाइंड स्कोर आउट ऑफ 25। ओके विशाल, आई विल शेयर। गाइज, यू डोंट हैव टू ब्लैक माई अकाउंट, यू जस्ट हैव टू गिव मी 1000 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाई 10, एक बंदा तुम 10 लेके आ जाओ, 100 लोग हैं, 1000 हो जाएगा। ओके, दैट वुड बी माई गिफ्ट, ग्रेटेस्ट गिफ्ट एवर, इफ यू कैन गिफ्ट मी, आई कीप टीचिंग ईदर वे, बट मेक मी हैप्पी, 1 person 10 गाइज इन अ लोकेलिटी, गाँव देहात में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, बच्चा अंकल आंटी, एनी वन, गो फॉर इट। सुभाषमिता पत्रा, गुड। एडगर वॉज टिकल्ड पिंक वेन ही हर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड, ओके, व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब था उसका? वेन योर फ्रेंड, ठीक है ना, ही वेंट टू USA 2 years back, he called you, ठीक है ना, तो यू वर टिकल्ड पिंक, बट तुम अभी भी SBI PO कर रहे हो, अभी भी बैंक SSC कर रहे हो, वो US में गूगल में प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, ओके, सो बकल अप, ओके, गो एक्स्ट्रा माइल, फील पिंक ऑल द टाइम, ओके, एंड स्टडी वेल, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाइए, IAS, बैंकिंग, SSC, इंस्पेक्टर, सब कुछ बन जाइए। ये वाला वन लास्ट, मिलिंदा टर्न रेड एज अ बीट व्हेन समवन मेंशन बॉब्स नेम, ठीक है ना, ओके, सो हिम बेस्ट, यू हैव अ क्रश ऑन समबडी, ओके, एंड योर फ्रेंड नोज दैट, एंड दैट फ्रेंड लाइक, हे दैट पर्सन, दीपक, दीपक, सो यू आर एम्बरेस्ड, you are like, hey, wait, please, I just like him, I'm not serious, I don't want to marry him, no, I haven't think about the children's names, okay, I don't know, no, nothing, I don't know, okay, curtains, colors, no, nothing, I don't know, Deepak, nothing, so that is red as beet when you are embarrassed, in a good way, all right, your friend went to USA, product manager in Google, and this is your code, this is your visa for a good life, healthy life, confident life, trained life, okay, all the best, make sure you like, share and subscribe, one student, aap mujhe 10 bachche dega, main aapko 30 marks dega, theek hai, see you tonight, 150 plus, I want 150 plus, पूरी दुनिया में फैला दो, पूरा यूट्यूब पर पूरे मोहल्ले में फैला दो, नरेंद्र सर इंग्लिश, पूरा इंडिया इंग्लिश पढ़ेगा, कोई फेल नहीं होगा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।